के सो रहा है तकिए से। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो यहाँ मैं लग गई थी अपने काम में। तो ये मेरी ये रखी हुई थी मलाई, इतनी सारी इकट्ठा हुई हुई, तो बस ये मलाई यहाँ पर मैं निकाल, इसको मैंने अभी रख दिया तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी इसके लिए। और यहाँ बन रही है चाय। तो अभी एक बार पहले नाश्ता हो चुका है, देखो एक बार का नाश्ता हो चुका था तो बर्तन इतने सारे फैले हुए थे। और यहाँ पे अब बच्चे जो थे दोबारा नाश्ता करने के लिए उठे हैं, फिर ये नाश्ता कर करके सो गए थे सब। दिखाओ नहीं तेरी हरकतें, पता चल किसे समझ के सो रहा है तकिए से। क्या हो रहा है ये? बस अब 12 बज गए, उठ जा नालायक सारे। 12 बजे सो सो के उठ रहे दोबारा नाश्ता करने के लिए। हाँ 8 बजे उठी हो हीरोइन, जब नाश्ता करके गई हो 7 बजे उठी थी। चलो जल्दी जल्दी दोबारा मुंह धो। तो जो सोया नहीं उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। दोबारा दोबारा नाश्ता कर रहे हो तुम? बता किससे ज्यादा प्यार है? मम्मी से प्यार है। बोला चल निकल, पापा होंगे तो नहीं रुकेगा, पापा नहीं होंगे तो भी रुक जाएगा। अच्छा लम्बी के बिना रुकेगा? हाँ तुम बोलो, क्या बोलियो? यहाँ बच्चों को नाश्ता वगैरह तो सब हो चुका था, तो फिर हम यहाँ पे, तो ये मेरी मलाई भी जो है थोड़ी ठीक हो गई थी, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो इसको भी मैंने चलाना शुरू कर दिया था। तो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अगर हम इसे निकाल के थोड़ी देर रख देते हैं तो उसके बाद ना रूम टेम्परेचर पर आ जाती है, तो फिर तो ये 5-7 मिनट लगते हैं इसको चला के, और ऐसे ही निकल जाता है। इसमें फिर बहुत ज़्यादा ताम झाम हमें कुछ नहीं करना पड़ता, फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं सनते। और ये देखो मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक यही बर्तन मैंने वो करा, इसमें ही मलाई निकाल के रखी थी और इसी में ही मैं इसका घी बनने के लिए रख दूँगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और जो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था तो वो पानी देखो, पानी जो है फिर वो छाछ बन के निकल गया है, तो वो भी मैंने अलग कर दिया है छाछ भी इसकी। और यहाँ बातों बातों में मेरा यहाँ पे मक्खन भी निकल चुका है पूरा अच्छे से, तो यहाँ पे ये रख दिया था मैंने इसको, इसी बर्तन में मैंने रख दिया था घी बनने के लिए, तो ज़्यादा फिर बर्तन भी नहीं सनते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। तो बस ये मेरे यहाँ पे ये भी बन रहा था, साथ साथ में मक्खन भी रख दिया था बनने, ये घी भी रख दिया था बनने के लिए। और इधर मेरी हो रही थी खाने की तैयारी, तो खाने में तो मैं आज बना रही थी पालक पनीर। तो पालक तो आपने देखा होगा, मम्मी काट रही थी पालक, और यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली थी साथ साथ में, और इधर यहाँ घी भी रख दिया था बनने के लिए, तो ये घी भी बनता रहेगा और इतने मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो ईद तो अब हो चुकी है ख़त्म, लेकिन अभी तो ईद के बाद में जो फिर जो चलती हैं दावतें, आना जाना, वो सब शुरू हो जाता है उसका सिलसिला। तो मेरी वीडियोस भी ज़्यादा नहीं आ पा रही थी क्योंकि यहाँ पे भी फिर बाजी वगैरह आई थी, एक दो दिन रही, फिर उस टाइम पे तो मेरी फिर कुछ वीडियो बनती ही नहीं है जब कोई आ जाता है। पता नहीं मुझसे अभी तक भी ऐसे नहीं होता कि कोई भी अगर आता है तो उनके बीच में मैं आके अपने ब्लॉग बनाऊँ या मतलब कोई भी चीज़ में दिखाऊँ। कभी होता है तो मतलब मन करता है दिखाने का, कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम भी नहीं मिल पाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना बनाने में और सब कामों में ही रह जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि फ़ोन पकड़ के अपना वीडियो बनाएं। तो यहाँ देखो घी कितना सारा अच्छे से निकल चुका है, देखो कितना सारा घी निकला है माशाल्लाह से, और बहुत जल्दी ही निकल गया है ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि चलाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये ना सब चीज़ पूरा प्रोसेस जो है इसका आधा घंटा भी नहीं लगता है, पूरा तैयार हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर ये मैंने पालक उबालने के लिए रख दिया था, तो पालक मेरा अच्छे से उबल गया था, ज़्यादा अच्छे से नहीं, बस ये मतलब ये है इसको तो 5 मिनट भी नहीं लगती पालक को उबलने में, तो पालक भी हो गया था। तो यहाँ मैंने इसको पीस के इसका बना रही थी पेस्ट, और इधर यहाँ पे मेरा घी भी निकल गया था, तो उसके बाद में यहाँ मैंने रख दी थी फिर कढ़ाई, तो यहाँ पे इंडक्शन पे मैं बना रही थी फिर यही पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए यहाँ पे मैंने पहले डाल दी थी इसमें लहसुन अदरक, तो मैंने वो कूट के डाल दिया था लहसुन अदरक,
फिर उसके बाद डाली थी मैंने इसमें ये चार मिर्ची, लाल लाल मिर्ची डालने के बाद में, तो यहाँ पे देखो टमाटर रखे हुए थे और यहाँ पे ये लहसुन था, लहसुन मैंने इसमें वो लहसुन अदरक तो सॉरी पहले ही मैंने डाल दिया था कूट के, और फिर उसके बाद में मिर्च डालने के बाद फिर मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पे ये डाली है मैंने प्याज। तो प्याज मैंने ली थी तीन तीन बड़ी बड़ी प्याज मैंने ली थी, तो जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी उसके बाद में फिर मैंने डाले थे यहाँ टमाटर को, टमाटरों को भी मैंने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया था। तो टमाटर डालने के बाद फिर इसको रख दिया था मैंने थोड़ी देर ढक के, मतलब दो से तीन मिनट के लिए रख दिया था ढक के इसको अच्छे से गलने के लिए, जब तक अच्छे से टमाटर गल जाएंगे, तो क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी बहुत अच्छे मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर, तो उसके मसाला थोड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जाते नहीं है, बस थोड़े ही मसाले में, तो बहुत सिंपल तरीके वाला बनाती हूँ थोड़े मसालों का। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्ची, तो मिर्च मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली थी, और उसमें डाल दी फिर मैंने हल्दी, बस थोड़ी सी हल्दी डाली थी जिससे मतलब ज़्यादा कलर चेंज ना हो, और वैसे हल्दी का यह है कि ऑप्शनल है, डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है मत भी डालो। तो यहाँ ये सब डाल के ये तो रख दिया था मैंने अपना, ये मेरा टमाटर वगैरह सारे मसाले मैंने पाँच मिनट के लिए रख दिए थे ढक के भुनने के लिए, ताकि उसमें टमाटर वमाटर सब अच्छे से गल जाए और पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए पूरा अच्छे। तो इधर यहाँ मैंने फिर मेरा घी भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो यहाँ पे ये मैं घी भी निकाल रही थी, तो घी मैंने छान लिया था, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया इसका कलर आया है घी का, और इतना सारा घी मेरा निकल गया था। तो ये देखिए यहाँ मसाले भी इधर मेरे अच्छे से तैयार हो गए थे, प्याज टमाटर सब एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिल चुके थे। फिर उसके बाद मैंने जो पालक पीस के रखा हुआ था वो पालक मैंने डाल दिया था इसमें, और ये देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा सा लग रहा है इसका, तो पिसा हुआ पालक डाल दिया था, और इसको मैं इसमें नमक डाल के इसको रख दूंगी पकने के लिए, तो इसमें भी खैर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया था ढक के, क्योंकि क्या होता है उछटता बहुत है इसलिए इसको ढक के ही पकाना चाहिए, पालक या साग वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही छींटे मारते हैं। तो जब ये 5-7 मिनट पका लिया था, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने ये पनीर इसमें ऐड कर दिया था, और पनीर डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट हम पनीर के साथ पनीर डालने के बाद इसको पकाना होता है, और जब ये अच्छे से खदक जाएगा मतलब बहुत अच्छे से पक जाएगा, इसमें खदबदी अच्छे से आने लगेगी 5-7 मिनट में, तो बस हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। फिर इसमें डालिए गर्म मसाला और बस हो गया रेडी हमारा पालक पनीर। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रखी है, तो खाना वगैरह सब बन चुका है और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं बता देती हूँ आपको 3:15 बज चुके हैं, और अभी मैं खाना वाना बना के अभी रुकी थी और खाना सबने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तो अभी बच्चे अभी अम्मी सब लेट गए हैं खाना वगैरह खा के, और यहाँ पर अभी मेरा इतना सारा अभी काम पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा मेरे प्रेस के कपड़े जो कि मेरे कभी भी नहीं मिटने वाले नहीं हैं वो मेरे पड़े हुए हैं, तो प्रेस के कपड़े मेरे यहाँ पर अभी इतने सारे पड़े हैं, क्योंकि कल मशीन लगाई थी, कल के जो पहले के थे वो भी थोड़े बहुत रह रहे थे, और जो कल मैंने धोए थे वो भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ ये रहे मेरे तो सारे प्रेस के कपड़े, और अभी देखते हैं गेट बजाए गेट पे कौन आया। तो ये आ गई मैडम घूम के, कहाँ गई थी, लड़के के साथ खेल रही थी। टाइम देख लो, पढ़ने नहीं जाना है, हाँ तो चलो फिर, नहीं होगी मैं फोन कर, तो ऐसे छुट्टी थोड़ी ना होती है, कल भी तो करी थी इतनी सारी छुट्टी, रोज का ये ड्रामा। तो शाम को निकल गए थे हम लोग मार्केट जाने के लिए, तो मार्केट से हमें लानी थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी, तो वो ग्रॉसरी लेके आए हम, तो मेरे साथ फेज था और मैं, तो हम दोनों माँ बेटे गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए, तो बस फिर आ गए थे मार्केट से, तो ये ग्रॉसरी हम लेके आए थे, थोड़ी सी जो मतलब ख़त्म हो रहा था सामान वो लिया, और ये मैंने ऑयल वगैरह तो मैंने ब्लिंकिट से ही मंगा लिया था ऑर्डर करके, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा मतलब फ़ायदा नज़र आ रहा था कि इस पर ज़्यादा अच्छा मिल रहा था ये सब कुछ। तो शाम के खाने की भी तैयारी चल रही थी, तो शाम के खाने में फिर मतलब मुझे बहुत सिंपल सा बनाना था, कि दोपहर में तो पालक पनीर बना लिया था, तो रात को मेरा मन कर रहा था कि तोरई की सब्ज़ी बना लूँगी, तो तोरई की सब्ज़ी के लिए मैंने फिर यहाँ काट के रखी हुई थी तोरई वगैरह सब, तो ये सब मैं काट के रख के चली गई थी मार्केट, तो बस आके मुझे बनाना ही था, तो यहाँ पे फिर मैंने तोरई भी रख दी थी बनने के लिए, तो सिंपल सी बना रही थी एकदम हरी मिर्च और प्याज वाली, तो ज़्यादा इसमें कुछ भी ताम झाम नहीं करना था मुझे,
तो बस आज की वीडियो हम फिर यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करिएगा प्लीज़। मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। अल्लाह हाफिज़।